जौनपुर में 7 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने जा रहा है। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता घर घर पीले चावल बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह है। जौनपुर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे लगाकर घर घर जा रहे हैं और लोगों से राम राम करके पीले चावल देकर नरेंद्र मोदी के रोड शो में आने को आमंत्रित कर रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देखिए, अभी आप देख रहे होंगे जिस तरीके से पूरा देश कह रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार, इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता स्वयं मोदी बनकर, मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर, मोदी जी की राम राम कहने हर दरवाजे पर दस्तखत कर रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर दरवाजे को खटखटाओ और हमारी राम राम लोगों तक पहुंचाओ, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं राम राम कहने जबलपुर आ रहे हैं और आगामी 7 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी का भव्य रोड शो होना है। इस नाते हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर दरवाजे पर दस्तखत देकर, पीले चावल देकर लोगों को उस रोड शो में आने आमंत्रित कर रहे हैं। और आपने जिस तरीके से देखा होगा स्थानीय जनों का उत्साह, हमारे आमंत्रण देने से पहले वो खुद से नारे लगा रहे हैं, नमो नमो हर घर मोदी, और इस तरीके से जो नारे वो लगा रहे हैं आप देख रहे होंगे, जय जय श्री राम। इससे हमें पता चल रहा है कि मोदी जी का जादू किस तरीके से इस क्षेत्र में चल रहा है। आज इसी तारतम्य में पूर्व विधानसभा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस अनोखे कैंपेन के माध्यम से स्थानीय जनों से आग्रह किया, रोड शो में आने के लिए आमंत्रण दिया। और आप एक बात अगर देख पा रहे होंगे, जिस तरीके से लोग निकल कर आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने 500 साल के संघर्ष के वो साक्षी रहे हैं, आज रामलला विराजित हो गए हैं, उसका सीधा उत्साह हमारी जनता में दिख रहा है। धारा 370 का हटाना, यहाँ पर उज्ज्वला का कनेक्शन हर घर पर पहुँचाना, लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाना, इस जबलपुर की धारा पर हम खड़े हैं, माँ रेवा की धारा पर हम खड़े हैं, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आगाज करने जा रहे हैं। ये सीधा संकेत है कि इस बार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट भाजपा का परचम लहराने जा रहा है वहाँ पर। ठीक इसी तरीके से जबलपुर की जनता मोदी जी को धन्यवाद कहने, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसे उमड़ने वाली है, ऐसा मेला भरने वाला है, हम लोग देखेंगे, क्योंकि जबलपुर की जनता साक्षी है। आज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में बन रहा है, आज देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिंग रोड जबलपुर में बनने जा रही है। हमारा जबलपुर मोदी जी के विकसित भारत के विजन का साक्षी है, ऐसा पहला प्रधानमंत्री जो 2047 के विजन की बात कर रहा है, जो कि हर चीज में मोदी की गारंटी की बात कर रहा है। और एक विषय और मैं बता देना चाहता हूँ, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, एक विषय निकल कर सामने आया, हमारे मीडिया के बंधुओं ने पूछा अर्थव्यवस्था के बारे में, तो आज महंगाई दर में अगर किसी आदर्श स्थिति में हम देखें तो सारे विश्व में भारत हमारा एक आदर्श की स्थिति में खड़ा है। और वो ब्रिटेन जिसने हमारे ऊपर राज किया था, उन ब्रिटिशर्स की भी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई और उसको पिछाड़कर आज हमारा देश टॉप 5th इकोनॉमी के तौर पर खड़ा है। और आने वाले तौर पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी दी है कि हम टॉप 3 अर्थव्यवस्था में आएंगे, तो यही मोदी की गारंटी और मोदी का संदेश पहुंचाने, हम सभी मोदी के परिवार के नाते हर घर पर दस्तखत देकर मोदी जी की राम राम पहुंचा रहे हैं और आगामी 7 तारीख के रोड शो में लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। बताइएगा। योगेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, जबलपुर महानगर। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।